मुझे समझ ही नहीं आई दोनों फिल्म्स मुझे कब मिली. इनफैक्ट दंगल की शूट शुरू होने से पहले ही, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, मुझे मैंने अभी अपनी पहली फिल्म की शूट शुरू भी नहीं की थी और मेरे पास ही दूसरी फिल्म भी थी. तो उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ ऑफ कोर्स कि मुझ पे आमिर सर ने इतना फेथ, ही हैड पुट इन सो मच फेथ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया. और अद्वैत को मेरी एक्टिंग पसंद आई. गिटार एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से बजाना चाहती थी और मुझे इस फिल्म में मौका मिला कि मैं सीख पाऊँ. तो दो चीज़ें थी, एक तो जो कि आमिर सर ने बोला था कि सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहना चाहिए आफ्टर एक्टिंग, वो ये था कि तो गिटार जो है इस फिल्म में वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे दंगल में रेसलिंग थी, हम सबको, आमिर सर को और हम चारों लड़कियों को जिस तरह रेसलिंग सीखनी थी, इस फिल्म में मुझे गिटार सीखना था. लकी भी हूँ मैं. और दूसरी बात ये कि मेरी बात नहीं है, सब में सबने इतनी ज़्यादा मेहनत की है. दंगल में इतने सारे लोग, नितेश सर, जो बाकी सारा क्रू था, आमिर सर, हाँ, हम चारों लड़कियाँ, कृपा सर, इस फिल्म में भी अद्वैत है, इतने सारे लोगों ने इस पर मेहनत की है. तो अब आई होप जिस तरह दंगल को प्यार मिला है, इस फिल्म को भी वैसे ही प्यार मिले. मेरे लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी यू नो आई हु आई लुक अप टू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं शायद नाम भी नहीं ले पाऊँगी. वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं, जैसे आमिर सर है, उनकी कितनी सारी चीज़ें हैं. आई लव प्रियंका चोपड़ा फॉर हर कॉन्फिडेंस. आई लव मनोज बाजपेयी. सो मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन माई फैमिली, सो मेनी पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड हु आई लुक अप टू. पर ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टन कोई इंसान हो जिस पर यू नो मैं.